ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। एक पत्नी के लिए सबसे कीमती अगर दुनिया में कुछ है तो है सुहाग। लेकिन किशनगंज में एक कलयुगी पत्नी ने अपने आशिक को हासिल करने के लिए अपने सुहाग के मौत की घाट उतार दिया। पुलिस को गुमराह करने के लिए मृतक की पत्नी ने अपने पुराने दुश्मनों का नाम पुलिस के दर्ज करवाया था। किशनगंज पुलिस के सामने हिरासत में खड़ी महिला का नाम सुनीता देवी है और ठीक उसके बगल में खड़ा सुनीता देवी का आशिक महेंद्र है। दोनों के बीच पिछले 6 वर्षों से अवैध संबंध था। सुनीता देवी पर इतना संगीन आरोप है जिसे जानकर जल्दी आपको यकीन नहीं होगा। प्रेम प्रसंग में रोड़ा बन रहे पति लालचंद को उसकी पत्नी सुनीता देवी ने अपनी आशिक महेंद्र उर्फ मैन के संग मिलकर ऐसे घिनौना साजिश रचा जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि पति पत्नी का पवित्र रिश्ता अग्नि के 7 फेरे लेते वक्त 7 जन्मों तक साथ रहने की सौगंध खाई जाती है। वहीं आशिक के साथ मिलकर पत्नी ने 23 मई की देर रात अपनी पति लालचंद की मौत की घाट उतार दिया। मृतक की पत्नी सुनीता देवी के फर्द बयान के आधार पर 3 नामजद एवं 2 अज्ञात के विरुद्ध बहादुरगंज थाना कांड संख्या 147/21 दिनांक 24/5/2021 को धारा 302/34 भारतीय दंड विधान सभा एवं 3 STSC एक्ट के अंतर्गत दर्ज किया गया। 23 मई की रात में बहादुरगंज कोसिया टोली में एक चाकू मारने की घटना सामने आई थी, जिसमें तुरंत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उनका इलाज करवाया, लेकिन सुबह में उनकी मृत्यु हो गई लालचंद हरिगंज की। और उसके बाद फिर फर्द बयान के आधार पर 5 लोगों को इसमें नामजद अभियुक्त बनाया गया था, जिसमें से 2 लोगों को तत्काल गिरफ्तार कर करके पुलिस ने भेजा था। और इसमें जो तफ्तीश चल रही थी उसमें हम लोगों ने अनुसंधान लगातार जारी रखा, वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान हुआ और इसमें फिर हम लोगों ने ये पाया कि इसमें जो मृतक की पत्नी है उसी ने ये सारी साजिश अपने बगल के एक लड़के के साथ मिलकर के ये रची, जिसके साथ उसका अवैध संबंध 1 साल से चल रहा था। गिरफ्तार महेंद्र उर्फ मैन के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त चाकू को घर से बरामद किया गया। SP ने कहा कि पुलिस को गुमराह करने, स्वयं एवं अपने प्रेमी महेंद्र उर्फ मैन को बचाने तथा ग्रामीण राजनीति में प्रेरित होकर तथा बहकावे में आकर फर्द बयान में निर्दोष लोगों का नाम बताई थी, जिनकी पहचान की जा रही है उनके खिलाफ पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसके आधार पर हम लोगों ने उसे पकड़ा है, वो घर के बगल का ही लड़का है, मैन तो महेंद्र नाम है उसका। और उसके यहाँ से जो है हमें हत्या में प्रयुक्त छुरी भी बरामद हुई है, मोबाइल भी इसमें बरामद हुआ है और इन दोनों ने अपना अपराध भी स्वीकार किया है कि हाँ इन लोगों ने जो है ऐसे प्लानिंग करके इस मर्डर की घटना को अंजाम दिया था, जिसकी वजह से ये घटना पारित की गई। तो इन तथ्यों पर हम लोगों ने कार्रवाई करी है और 2 लोगों को भी तत्काल गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा जो लोग षड्यंत्र करने में शामिल थे, निर्देशों को फंसाने में शामिल थे, उन लोगों पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। संविधान को भटकाने की दिशा थी कि सवेरे से लोगों ने 5-5 लोगों का नाम दे दिया था जिनका इस केस से कोई सरोकार नहीं था, कभी किसी के साथ पूर्व में झगड़ा हुआ हो, महीना भर पहले बाता बाती हुई थी, उन लोगों का भी नाम इन लोगों ने दे दिया था, जिसकी वजह से थोड़ी देर तक भटकाने का प्रयास हुआ, लेकिन हम लोगों ने इस पर कार्रवाई करी और इसमें मुजरिम को पकड़ लिया है। उसके घर से हम लोगों ने हत्या में प्रयुक्त जो सामान है। पुलिस ने आरोपी महिला और उसके आशिक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पूरी वारदात में हर कोई सकते में है और सभी ये सवाल कर रहे हैं कि कैसे सुनीता देवी ने सुहाग को मौत की घाट उतारा। ऐसे में मांग भी उठ रहा है कि ऐसे आरोपियों को ऐसी कठोर सजा दी जाए ताकि कोई भी ऐसी घिनौनी हरकत करने की जरूरत न कर सके।